नमस्कार, खासखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्वल गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना के डेली केस घटे। 24 घंटे में 7633 नए मामले सामने आए, 11 मौतें। लंदन में भारतीय हाई कमीशन में तोड़फोड़ की एनआईए करेगा जांच। खालिस्तानी समर्थकों ने तिरंगे का अपमान किया था। पायलट के आरोपों पर गहलोत का जवाब, 1.5 साल सरकार में थे सचिन, तब क्यों नहीं उठाए मुद्दे। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से की मुलाकात, कहा विपक्ष मिलकर मोदी की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। हरियाणा के करनाल में 3 मंजिला राइस मिल की इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत, 20 लोग घायल। मध्य प्रदेश के धार में जहरीली ताड़ी पीने से 1 महिला समेत 3 की मौत, 10 से ज्यादा की तबीयत बिगड़ी। अमेरिका में 85 वर्षीय श्वेत ने अश्वेत किशोर को मार दी गोली। सूडान में हिंसक संघर्ष तीसरे दिन भी जारी, 180 लोगों की मौत। कैलिफोर्निया गुरुद्वारे में गोलीबारी के मामले में पुलिस ने 17 सिखों को किया गिरफ्तार। ईश निंदा के आरोप में पाकिस्तान में चीनी नागरिक गिरफ्तार। इलियाना डिक्रूज ने की प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट, बोली लिटिल डार्लिंग आपसे मिलने को इंतजार नहीं होता। कटरीना के भाई संग डेटिंग की खबरें। नुसरत भरूचा छत्रपति के हिंदी रिमेक में श्रीनिवास बेलमकोंडा के साथ आएगी नजर। अर्जेंटीना फीफा अंडर-20 विश्व कप की करेगा मेजबानी। आईपीएल 2023 चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 8 रनों से हराया। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल प्ले स्टोर पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करें और खबरों को विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com को लॉगिन करें। धन्यवाद।